हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में टिंडे की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये गर्मियों की सब्ज़ी है। गर्मियों में टिंडे बहुत मात्रा में आते हैं और टिंडे की कई अलग अलग तरीके से रेसिपी बनती है। तो आज के वीडियो में टिंडे की बहुत आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और आप इसको बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत टेस्टी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, टिंडे की जो सब्ज़ी है बहुत अच्छी और टेस्टी बनने वाली है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने टिंडे ले लिए हैं। तो आधा किलो टिंडे हमने यहाँ पर ले लिए, उसका छिलका निकाल करके इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। और अब यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। यहाँ पर मैंने एक चम्मच ऑयल डाल दिया है। तो इस तरह से आप सबसे पहले ऑयल डाल दीजिए और इसके अंदर एक चम्मच जीरा और दो पिंच हींग डाल दीजिए। जैसे ऑयल गर्म होगा, जीरा और हींग हम डाल देंगे और उसके बाद हम प्याज को काट कर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज को छोटे पीसेस में कट कर लिया और वो इसके अंदर डाल दिया। तो जैसे ही जीरा तड़क जाएगा, हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे और प्याज को हमें 5-6 मिनट तक पकाना है। प्याज का थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा तब तक हमें इसे पकाना है। तो फ्रेंड्स, प्याज डालने के 2-3 मिनट के बाद हम यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो लगभग 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हम यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप 5-6 कलियाँ लहसुन की और 1 इंच अदरक का टुकड़ा अच्छे से पीस करके इसमें डाल दीजिए। और 5-7 मिनट यहाँ पर मुझे प्याज को पकाते हुए हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्याज का कलर चेंज हो गया है, प्याज गोल्डन कलर का हो गया है। तो अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को लो कर देंगे और बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो फ्रेंड्स, इस स्टेज तक प्याज को आप पकाएंगे तो जो सब्ज़ी है वो अच्छी बनकर तैयार होगी। अगर आप प्याज को कम पकाएंगे तो प्याज का कच्चापन सब्ज़ी को बेकार कर देगा और सब्ज़ी का जो स्वाद है वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए प्याज को इस स्टेज तक पकाना बहुत ज़रूरी है। और अब हम यहाँ पर टिंडे डाल देंगे। जो टिंडे हमने काट करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे। और अब डालेंगे सूखे मसाले। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/4 चम्मच। अब ये सारे मसाले डालकर हम इसे मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे 2-3 मिनट तक चलाएंगे, जिससे कि जो टिंडे हैं उसमें सभी मसाले अच्छे से कोट हो जाएं। यहाँ पर आप इसे 2-3 मिनट तक पका लें और उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो टमाटर आप अपने आवश्यकता के अनुसार डालिए। अगर आपको सब्ज़ी कम खट्टी पसंद है तो आप कम टमाटर डालिए। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए और उसे छोटे टुकड़ों में काट करके ग्राइंड कर लिया। और टमाटर के साथ मैंने 2 हरी मिर्च को भी ग्राइंड कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये जो सब्ज़ी बनने वाली है ये सभी को बहुत पसंद आती है और ये सब्ज़ी बनाने का ट्रेडिशनल तरीका है। हमारे घरों में अक्सर इस तरह से सब्ज़ी बनाई जाती है और ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप मेहमानों को भी खिलाएंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएगी, आप किसे भी खिलाएंगे तो उन्हें बहुत अच्छी लगेगी। और एक बार ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करिए और इस तरीके से आप इसे ज़रूर बनाइए। तो आप देख सकते हैं 2 टमाटर और 2 हरी मिर्च को मैंने ग्राइंड कर लिया और इस तरह से ये पेस्ट इसके अंदर डाल दिया। और अब इसे भी अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। तो इसे भी लगभग 3-4 मिनट तक हमें पकाना है, जिससे कि जो टमाटर है अच्छे से पक जाए और साइडों से थोड़ा ऑयल नज़र आने लगे। तो फ्रेंड्स, कोई भी सब्ज़ी अगर आप बनाते हैं और जब आप टमाटर उसके अंदर डालते हैं तो ध्यान रखें टमाटर अच्छे से पक जाए तभी उसमें पानी डालिए। तो टमाटर डालने के बाद आप 3-4 मिनट तक इसे पकाइए और उसके बाद इसमें पानी डाल दीजिए। तो यहाँ पर पानी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार डालिए।
अगर आपको ग्रेवी गाढ़ी पसंद है तो आप पानी कम डालिए, अगर आपको ग्रेवी लाइट पसंद है तो आप पानी ज़्यादा डालिए। तो यहाँ पर 2 कप पानी आप डाल देंगे तो एक सफिशिएंट ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब पानी डाल दिया है और अब ऊपर से मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। अब इसमें जैसे ही उबाल आ जाएगा हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और लगभग 3 से 4 विसल आने देंगे और 3 से 4 विसल आने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फ्लेम ऑफ करने के 2 से 3 मिनट बाद कुकर का ढक्कन खोलेंगे। और फ्रेंड्स, कुकर का ढक्कन खोलने के बाद अगर आपको लगता है कि ग्रेवी गाढ़ी है तो आप बाद में भी पानी ऐड कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार आप पानी ऐड करके उसे 2-3 उबाल आने तक पका लीजिए, जिससे कि ग्रेवी लाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे ग्रेवी गाढ़ी पसंद होती है इसलिए मैं पानी कम डालती हूँ। इसमें हम पानी और भी ज़्यादा डाल करके इसे लाइट कर सकते हैं। तो जब सब्ज़ी तैयार हो जाए उस वक्त भी हम ऊपर से पानी डाल सकते हैं। तो अगर ग्रेवी गाढ़ी है तो आप 1 कप पानी और डाल करके 2-3 उबाल आने तक इसे पका लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने 2 कप पानी डाला था ये पूरा एब्जॉर्ब हो गया है और इस तरह से गाढ़ी सी सब्ज़ी बनकर तैयार है। अगर आपको लगता है कि ग्रेवी गाढ़ी है तो इस स्टेज पर आप 1 कप पानी और डाल के इसे 2-3 उबाल आने तक पका लीजिए। तो इस तरह से टिंडे की बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी तैयार है। आप इसे टिफ़िन के लिए दे सकते हैं, ऑफिस के लिए अगर आप लंच बना रहे हैं तो आप ये सब्ज़ी बनाइए, बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपने इस तरह से पहले सब्ज़ी नहीं बनाई है तो ये सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सर्व करते समय इसमें अगर आप थोड़ा सा बटर डाल देंगे तो सब्ज़ी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सर्व करते समय इसमें थोड़ा सा बटर डाल दिया है। अगर आप ना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बटर डालने से सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बन जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। टिंडे की सब्ज़ी आपने इस तरह से पहले कभी नहीं बनाई होगी। ये रेसिपी ट्राई करिए और रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही आसान रेसिपीज़ के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।